सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीत, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप आपका मोबाइल चार्ज पर लगाते हैं तो 5 ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी बैकअप कम देने लगती है। आप 2 से 3 घंटा मोबाइल चार्ज करते हैं पर बैटरी आधे से 1 घंटे के अंदर बैटरी उतर जाती है, मोबाइल की बैटरी फूल जाती है, मोबाइल आपका ओवर हीटिंग होने लगता है। कई केसों में तो ऐसा भी हुआ दोस्तों कि उनकी बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। तो दोस्तों किन वजहों से ये दिक्कत आती है आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक ज़रूरी बात दोस्तों कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि दोस्तों किसी भी फ़ोन का चार्जर अपने फ़ोन में लगा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन है और चार्जर लगा लिया माइक्रोमैक्स का, या फिर सैमसंग का फ़ोन है लगा लिया आपने चार्जर एमआई का फ़ोन है लगा लिया आपने चार्जर सैमसंग का या फिर माइक्रोमैक्स का। किसी भी फ़ोन का चार्जर किसी भी फ़ोन में नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि उनको चार्जर नहीं मिल पाता तो वो किसी भी चार्जर पर अपना फ़ोन को लगा देते हैं। दोस्तों उससे होता ये है, जैसे कि अब मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग के फ़ोन पे आपका चार्जर का जो आउटपुट होता है जो एमपीआर हम कहते हैं 1.5 एमपीआर है मान लीजिए सैमसंग का आपका फ़ोन का आउटपुट जो दे रहा है वो, और आपने उसमें लगा लिया एमआई का चार्जर 2 एमपीआर का, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि देखिए जो 0.5 का जो फ़र्क है, जैसे कि 1.5 एमपीआर का जो चार्जर है वो आपके सैमसंग पे सपोर्ट करता है, वो कंपनी ने दिया है उसमें। अब आप उसको 2 एमपीआर में लगा देते हैं एमआई या किसी भी फ़ोन पे तो वो ज़्यादा मतलब तेज़ी से बैटरी को चार्ज करेगा, उसकी वजह से आपकी जो बैटरी की हेल्थ होती है वो ख़राब होती है, बैटरी गर्म होती है और कुछ समय बाद आपको बैटरी में प्रॉब्लम आने लगती है। तो दोस्तों किसी भी फ़ोन का चार्जर किसी भी फ़ोन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कंपनी जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अपना चार्जर देती हैं तो कुछ सोच समझ के ही देती हैं। तो दोस्तों चार्जर जो है अपने फ़ोन का चार्जर जिस कंपनी का है उसी चार्जर को यूज़ करें तो इससे आपकी जो बैटरी है उसकी हेल्थ बनी रहेगी। तो दोस्तों दूसरी गलती ये है, जो ये गलती है ये जो दूसरी बता रहा हूँ ये भी बहुत सारे लोग करते हैं कि जो आपका फ़ोन होता है उसको आप चार्ज पर लगा कर यूज़ करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग यही करते हैं कि उनके मोबाइल में मान लीजिए बैटरी बची है 10% या फिर 5% बची हुई है तो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे चैट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको चार्ज पे लगा के कंटिन्यू उसको चार्ज पे लगा के यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपका जो मोबाइल की बैटरी है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों क्या होता है जब भी आप चार्ज पे लगाते हैं तो आपका फ़ोन यूज़ भी हो रहा होता है, साथ ही साथ आप उसका नेट भी चालू करके रखे हुए हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो बैटरी चार्ज हो रही होती है और डिस्चार्ज भी हो रही होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बैटरी चार्ज कम होती है और यूज़ ज़्यादा करते हैं तो इससे आपकी जो बैटरी है वो ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों ऐसे में। तो कोशिश ये करा करें कि या तो मोबाइल को आप चार्ज पर जब लगाते हैं तो उसको चार्ज हो जाने दें फिर यूज़ करें, और कोशिश ये करा करें दोस्तों कि उसको स्विच ऑफ करके चार्ज करें या फिर उसका जो एरोप्लेन मोड होता है फ्लाइट मोड उसको ऑन कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, प्लस बैटरी में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इससे बैटरी ख़राब नहीं होती है जल्दी, बैटरी की लाइफ बढ़ती है। तो दोस्तों कभी भी मोबाइल को आप जो है यूज़ ना करें चार्ज पर लगा के, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं जो कि हमें ये नहीं करनी चाहिए, इससे फ़ोन ओवर हीटिंग होता है और बैटरी की लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों तीसरी गलती ये है जो हम में से बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि जो आपके ऐप होते हैं एप्लीकेशन वगैरह हम ओपन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये व्हाट्सएप मैंने ओपन किया, होम बटन दबा के मैं बैक हो गया, ये प्लेयर है ये मैंने ओपन किया, कोई भी इस तरह से ऐप यदि आप ओपन करते हैं और उसको इस तरह से बैक हो जाते हैं या फिर होम बटन दबा के बैक हो जाते हैं या फिर ये बैक बटन दबा के बैक हो जाते हैं, तो होता क्या है दोस्तों कि जो बैकग्राउंड में वो ऐप है जो भी आपने ओपन किया, व्हाट्सएप वगैरह जो मैंने यूट्यूब वगैरह ओपन किया है तो वो बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो जो ऐप है वो बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन है वो
हीटिंग होने लगता है, हीटिंग प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ आपका फ़ोन है जो वो बैटरी उसकी जल्दी उतरने लगती है। तो दोस्तों जब भी आप कुछ चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं और उसको मान लीजिए आप नहीं करना है आपको यूज़, तो उसको बैकग्राउंड जो ऐप चल रहे होते हैं उनको आप यहाँ से क्लोज़ कर दें, रिमूव कर दें इस तरह से, जिससे होगा क्या दोस्तों कि जो आपकी बैटरी है वो एक तो उतरेगी नहीं जल्दी, दूसरी चीज़ आपका फ़ोन जो है वो हीट नहीं होगा, क्योंकि उस समय पे सेम टाइम पे दोनों चीज़ एक साथ काम कर रहे होते हैं। पहली चीज़ तो दोस्तों आपका जो प्रोसेसर है और रैम है, जब आप कोई भी ऐप को खोलते हैं और उसको सिर्फ होम बटन दबा के आ जाते हैं, बैक हो जाते हैं, उसको क्लीन नहीं करते, रिमूव नहीं करते वहाँ से रिसेंट ऐप को इस तरह से, तो वो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, उससे आपका जो बैटरी है वो उतरती है और जो प्रोसेसर है और रैम है वो वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हीटिंग प्रॉब्लम आती है, साथ ही बैटरी उतरती है। तो दोस्तों आप कभी भी जब आप किसी ऐप को यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोशिश ये करा करें कि इसको इस तरह से ऐसा रिमूव कर दें, तो जिससे आपके फ़ोन पे हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी और बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा देगा दोस्तों, बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। दोस्तों चौथी गलती ये है जो कि कुछ लोग, क्या होता है कि जो आपका फ़ोन होता है उसको लैपटॉप से या कंप्यूटर से यूएसबी से चार्ज करते रहते हैं, यूएसबी कनेक्ट करके, तो जिससे क्या है आपका फ़ोन जो है वो बहुत देर से चार्ज होता है, जिसकी वजह से आपका जो बैटरी होती है वो ख़राब होने लगती है धीरे धीरे करके, उसमें बैटरी प्रॉब्लम आने लगती है, बैटरी आपका जो जल्दी उतर जाएगी और हीटिंग प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों जब आप चार्ज करना हो तो इसको प्रॉपर, इसका जो चार्जर मिला है कंपनी की तरफ से, आप उसमें लगा कर चार्ज करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ बनी रहेगी। दोस्तों पांचवी गलती ये है जो कि हम में से बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि अपना फ़ोन को हम चार्ज पर लगा देते हैं और उसको 100% फुल हो जाने के बाद भी कंटिन्यू वो चार्ज पर लगी रहती है और उसको हम निकालना भूल जाते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से, ओवर चार्जिंग की वजह से हमारे फ़ोन की बैटरी ख़राब हो जाती है, बैकअप कम देने लगती है, जल्दी उतरने लगती है और बैटरी फूल जाती है कई केसों में, और इसकी वजह से बैटरी ब्लास्ट भी हो जाती है दोस्तों। तो इससे बचने के लिए दोस्तों हम, क्योंकि हम मोबाइल अपना चार्ज पर लगाकर भूल जाते हैं, इसके लिए प्ले स्टोर से कोई एक आप अपने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि मतलब बैटरी फुल या फिर जो भी लेवल आपने सेलेक्ट करके रखा है 100% हो जाने के बाद आपको अलार्म देगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपकी बैटरी फुल हो गई है। देखिए जैसे कि मैंने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने अपने फ़ोन पर एक फुल बैटरी एंड थेप्ट अलार्म करके एक ऐप है, इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, जब भी मेरी बैटरी फुल होती है फ़ोन की तो ये मुझे अलार्म देता है, जिससे मैं अपना फ़ोन को चार्जिंग से अलग कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से कोई भी एक ऐप आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये जो ऐप है मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, तो चाहें तो आप ये ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप का नाम है फुल बैटरी एंड थेप्ट अलार्म। दोस्तों इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये 80% आप बैटरी देख रहे हैं यहाँ पे है, और ये ऐसा ही एज इट इज़ यहाँ पे जो बैटरी का लेवल है ये भी 80% मेरे को यहाँ दिखा रहा है। अब यहाँ मैं सेटिंग पे जाता हूँ और लेवल बैटरी का सेट कर देता हूँ। और दोस्तों एक कोशिश ये भी करा करें आप, जो आपकी बैटरी है उसको एकदम 100% कभी भी चार्ज ना करें, बैटरी को 95% करें या फिर 97 या 98% चार्ज करना चाहिए, फुल एकदम 100% कभी भी चार्ज ना करें, इससे आपकी जो बैटरी रहती है वो जल्दी ख़राब होती है। अगर आप इसको बैटरी को 95% या 98 या 100 में थोड़ा बहुत कम रखेंगे तो इससे बैटरी की लाइफ बनी रहती है। और जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लेवल मैंने सेट कर लिया, आप भी आपके हिसाब से कोई एक लेवल सेट कर सकते हैं कि कब आपको कितने परसेंट होने के बाद अलार्म बजे। यहाँ पे मैंने 98% कर दिया और ओके कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। अब जब भी ये मेरा फ़ोन जो मैं चार्ज पर लगाऊंगा, तो जैसे ही ये जो 98% का लेवल मैंने सेट किया है तो ये 98% होगा और यहाँ पे मुझे अलार्म देगा, जिससे मैं अपना फ़ोन जो है चार्ज से हटा लूँगा। तो दोस्तों इस तरह से आप प्ले स्टोर से कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये जो ऐप मैंने डाउनलोड की है, ये फुल बैटरी एंड थेप्ट अलार्म, दोस्तों इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसका डाउनलोडिंग लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यहाँ से इस वीडियो को इस तरह से, वीडियो के नीचे ये जो लाइक बटन दिया हुआ है, यहाँ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यहाँ से इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे इस चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।